गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इलिप्स बनाने की एक और मेथड देखेंगे। तो आप देख सकते हैं टॉपिक है इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड। तो हमें इलिप्स कौन से मेथड से बनाना है? तो रेक्टेंगल मेथड से बनाना है। तो दोस्तों, आपने पहला वीडियो देखा था जिसमें इलिप्स बनाना था, कौन सी मेथड से, याद है? जी हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो दोस्तों, आपको ये नाम और कौन सा कर्व है, इंजीनियरिंग कर्व, वो दोनों याद रखने होंगे। तो अभी दूसरा ही मेथड शुरू हुआ है, दैट इज रेक्टेंगल मेथड। अभी आगे देखेंगे इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड। प्रॉब्लम हमारा 2 है, शीट नंबर 3 का। ड्रॉ इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड। टेक मेजर एक्सिस 150 मिलीमीटर एंड माइनर एक्सिस 100 मिलीमीटर। तो आपको इलिप्स रेक्टेंगल मेथड से बनाना है जिसमें मेजर एक्सिस कितना है, 150 मिलीमीटर, और माइनर एक्सिस है 100 मिलीमीटर। तो ये देखिए, आपको ए और बी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो कितना होगा? यस, वेरी गुड, 150 मिलीमीटर। और उसके मिड में दूसरी लाइन आ गई सी डी, वो कितने मिलीमीटर होने चाहिए? 100 मिलीमीटर। आगे देखते हैं। तो एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है, तो डोंट वरी फॉर दैट, ये तो पीपीटी है, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे बनता है ये सब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपको डिवीजन दिख रहे हैं, ये देखिए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा। फिर उसको मैंने नोटेशन दिया 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, कितने पार्ट हो गए? ऐसे ऊपर जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेम वे आपको यहाँ पे भी 4 भाग क्रिएट करने होंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट होने चाहिए। A1 से जितना भी अंतर है उतना ही अंतर 1, 2 में होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस 2, 3 में होना चाहिए। और दोस्तों, एक याद रखिए, A से ऊपर जाते हैं तो 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, तो A से राइट साइड जाते वक्त भी 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। अभी देखिए आगे, अभी क्या किया आप गौर से देखिए, डी से 1 को ज्वाइन किया हुआ है, डी से 1 को, फिर डी से 2 को ज्वाइन कर दिया, फिर डी से 3 को ज्वाइन कर दिया, और डी तो 4 ज्वाइंट हुआ ही है, हुआ ही है। अभी आगे नेक्स्ट क्या करना है? तो देखिए, ये सी में से हमने एक लाइन निकाला जो 1 को होते हुए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर सेम वे C2 आपको निकालना है प्रोजेक्शन, ये देखिए, जो 2 में टर्मिनेट मतलब अटक जाता है, फिर 3 में, और उसको हम ऐसे, ये हमारे आंसर के पॉइंट आ रहे हैं रेड कलर के डॉट। ठीक है, तो ये देखिए, इलिप्स का एक चौथाई हिस्सा, क्वार्टर पार्ट ऑफ इलिप्स तैयार हो गया। अभी ये हम दूसरी साइड करने जा रहे हैं, सेम वे यहाँ पे भी 4 पार्ट बनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर सेम वे यहाँ पे भी 4 पार्ट बनेंगे, बी से होते हुए लेफ्ट में 1, 2, 3, 4। फिर D1 को आपको ज्वाइन करना है, D2 को ज्वाइन करना है, D3 को ज्वाइन करना है, और D4 ऑलरेडी ज्वाइन है। फिर C1 से होते हुए यहाँ पे आपको टर्मिनेट होना है, ये देखिए, फिर C2 में, फिर C3 में, फिर
फिर ये देखिए हमारे आंसर के पॉइंट रेड आने लगे हैं, तो ये उसमें से पास होता हुआ एलिप्स बन रहा है। तो जैसे ही दोस्तों हमने ए बी के ऊपर में भाग में किया है, सेम वे आपको निचले हिस्से में करना है ताकि इलिप्स बन पाए। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिए कि आपको हमेशा यूज करना है फ्रेंच कर्व, ताकि आपका इलिप्स एकदम ही बढ़िया बनेगा। तो ये मेथड का नाम था दोस्तों रेक्टेंगल मेथड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी ये तो पीपीटी खत्म हुई, अब एक्चुअल में हम क्या करेंगे। ठीक है कि भाई एक्चुअल कैसे होता है, प्रैक्टिकल वर्क कोई वीडियो में नहीं दिखाता। ठीक है ना, जैसे भी आप ड्राइंग कर रहे हो वैसे ही कोई प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला नहीं है, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जाते हैं। ये देखिए आपका शीट नंबर 3 का प्रॉब्लम 2 क्या है। पहले मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इंस्क्राइब एन इलिप्स इन रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 150 mm एंड 100 mm लॉन्ग। 150 mm अने 100 mm बाजू वाला लंबचौरस में इलिप्स दोरो। तो देखिए ये प्रॉब्लम हमने आगे देखा, वो ओब्लोंग मेथड था। क्या था? ओब्लोंग मेथड। और दूसरा है रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल का गुजराती होता है लंबचौरस, राइट, पद्धति, और ओब्लोंग का ओब्लोंग ही करेंगे। तो हमें दोनों मेथड आनी चाहिए, अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने बनाते समय थोड़ा मोबाइल में वाइब्रेशन रहता है, इसलिए आपको स्क्रीन थोड़ा हिलता हुआ दिखेगा। ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो आगे जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं डेटम से आपको सिखाया था, सेम वे 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो क्या बने, सीधी बने, एक सीध में रहे। ठीक है, तो ये हमारा 150 mm का होना चाहिए। ठीक है, 150 mm। तो अभी मेजर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जीरो लगा दिया, यहाँ पे जीरो आप देख पा रहे हैं, और आगे 15 तक जाएंगे। 15 है वो क्या है दोस्तों, सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में कितना हुआ, 150। अभी उसका मिड पॉइंट भी आगे जाके मार्क करेंगे, इसको नाम देंगे ए बी। ठीक है, और अभी मुझे रेक्टेंगल भी बनाना है। ठीक है, तो अभी देखिए एक रेक्टेंगल बनेगा, एक साइड बनने जा रही है अभी, वो कितना होना चाहिए, 100 का, यानी स्केल में कितना दिखेगा, 10, 100 mm। तो रेक्टेंगल का जो वर्टिकल है, ठीक है, जो ऊर्ध्व दिशा में जा रहा है लाइन, वो 100 का होना चाहिए। अभी मैंने देखिए 90 डिग्री रोलर स्केल से लिया, रोलर स्केल से 90 डिग्री लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी 100 mm हाइट हो गया, मैं मिड पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, देखो 5 पे। ठीक है, अभी हम रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको शायद एरर 1 mm का आएगा, डोंट वरी फॉर दैट, इतना चलता, आधे एमएम का एरर चलता है। अभी देखिए ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया। अभी मैं उसको आपको सिखाया ये कौन सी लाइन बनाई, यस, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन लाइन, और अभी बनाएंगे डायमेंशन लाइन। और एरो आपको मैंने सिखाया था क्लास में कैसे बनाना है। ठीक है, तो अभी ये हो गया 100, अभी दिखेगा आपको। और सेम वे ये हो गया, कितना होगा, 150। ठीक है, तो ये अभी डायमेंशन लाइन लेंगे। तो दोस्तों ये से प्रैक्टिकल वीडियो
आपको पीपीटी मिल जाएगी बढ़िया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा वो नहीं मिलेगा। तो मेरा प्रयास यही है कि सभी विद्यार्थियों को ये प्रैक्टिकली कैसे होता है वो आपको मिले। तो अभी रेक्टेंगल हो गया देखो 150 मिलीमीटर लेंथ, और हाइट हो गया 100। अभी 150 का मिड पॉइंट हम निकालेंगे, कितना आएगा? यस 75। तो अभी क्या होगा, ये लाइन वर्टिकल लेंगे और ये लाइन हॉरिजेंटल लेंगे, तो ऊपर भी आप 75 का मार्किंग लगा दो ताकि हमारी लाइन एग्जेक्ट 90 डिग्री पे बने। और यहाँ पे कितना मार्किंग करोगे, AD का बीच में 5 पे, और ये हॉरिजेंटल, हम हॉरिजेंटल मने गुजराती में बोलते हैं आडा। ये देखिए मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों तैयार है। मेजर एक्सिस को हम नाम देंगे EF और माइनर एक्सिस को देंगे GH, ठीक है। अभी हमारा रेक्टेंगल तैयार है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तैयार है। अभी देखिए 75 है, इतना मिड से लेके लेफ्ट में 75 है। तो अभी मान लो कि 5 पार्ट निकालते हैं, तो 75 का डिवीजन आपको कितने से करना है, 5 से, तो 15 आएगा। 15 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 75। तो 15 × 1, 15 × 2, 30 पे वैसे आपको इक्वल पार्ट करने हैं, कितने करने हैं, 5। और ED का डिस्टेंस देखिए कितना है, 50 है, तो वो कितना 5 हिस्सों में करेंगे तो 10 पे आएगा। तो डोंट वरी फॉर दिस पार्ट, ये एरर वाला पार्ट है, आप ये गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने दिखाया है। ये गिनिए कितने पार्ट हो गए, ये 5 हो गए और ये 4 ही हुए। देखो तो हमें क्या सीख मिलती है कि भाई इक्वल पार्ट करने हैं। तो अभी देखिए मैं लंबा वाला खींच रहा हूँ पॉइंट ताकि आपको पता चले, ये 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 10 वाले पार्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो अभी 5 पार्ट बन गए हैं, तो मैं एक नंबर देता हूँ, 2 3 4, और डी तो नाम दे दिया है। अभी ई से राइट साइड में 1 2 3 4, ठीक है, इसको ओ दे देते हैं। तो ये 1 2 3 4 हमारे हो गए। ये याद रखना कि ई से ऊपर जाते वक्त 1 2 3 4 और राइट साइड में भी 1 2 3 4 होना चाहिए। अभी डैश नहीं देते तो चलेगा, लेकिन हम देते हैं ताकि पॉइंट डिफर हो। अभी एच एच को 1 डैश के साथ ज्वाइंट करना है, देखिए कैसे करते हैं, आप आराम से वीडियो देखिए। एच 1 डैश, अभी एच 2 की बारी आएगी, पर लेकिन इससे पहले देखिए ये जी से 1 को होते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये हमें मिल गया है P1। क्या मिल गया दोस्तों, P1। अभी दूसरी बार देखिए, एच से 2 डैश ज्वाइंट करना है, एच से 2 डैश, देखिए। अभी जी से देखिए ध्यान से, 2 को होते हुए, देखिए 2 को होते हुए 2 डैश पर जाना है, जी से 2 2 डैश, देखिए यहाँ पे मैं अटक जाऊंगा, ये 2 डैश मिल गया, ठीक है। तो ये P2 मिल गया। अभी 3 की बारी, एच 3 डैश ज्वाइंट कीजिए, और यहाँ से G3 से लेके आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ये P3 मिला। आप धीरे धीरे देखिए। अभी दोस्तों आपको लग रहा होगा हिंदी में क्यों बनाता हूँ, तो हिंदी हमारी मात सॉरी ये हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये फिल्म तो देखते ही हम हिंदी में, तो ये भी बनाओ हिंदी में ताकि पूरा देश देख सके। P4 मिल गया, तो यहां से हमारा इलिप्स बनने वाला है भाई। अभी आगे कैसे बढ़ना है वो देखिए। अभी देखिए ये हमने पैरेलल लिया, एक लाइन नीचे खींच ली, P3 से दूसरी लाइन नीचे खींच ली, P2 से और P1 से, क्या किया दोस्तों, देखिए P4 P3 P2, ये देखिए मैं रिवाइंड करता हूँ। अभी देखिए क्या होने जा रहा है, ये हमने रोलर स्केल को रेफरेंस में लिया, फिर P4 से नीचे लाइन,
P3 से नीचे लाइन, P2 से नीचे लाइन और P1 से नीचे लाइन लिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल मेथड है, ये ओब्लोंग नहीं है। ठीक है, ये फर्क है। पीपीटी में देखा वो ओब्लोंग मेथड था, वो हम रेक्टेंगल मेथड नहीं कह सकते, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अभी क्या है कि P4 जैसे ऊपर बना है, तो सेम वे नीचे भी P4 डैश बनेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ये हमने एक मेजरमेंट लिया, देखिए रेफरेंस, तो इतना ही डिस्टेंस हमें नीचे ट्रांसफर करना है। ये देखिए वहीं से, तो ये P1 नीचे ट्रांसफर हो गया, तो उसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे तो बोलिए, P1 डैश। यस, अभी देखिए दूसरा P2 कैसे ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, आपसे हो पाएगा। ये P2 डैश मिल गया। अभी 3 की बारी है, तो 3 ध्यान को ध्यान से देखिए, तो ये ट्रांसफर हो गया P3 डैश, P3 डैश, P3 का आ गया P3 डैश। अभी P4 की बारी है, तो देखो मेहनत तो करनी ही है आपको। ठीक है, रात दिन एक करके मेहनत कीजिए, अच्छा फल मिलेगा। ये आ गया P4। आगे जाके मैं ये भी सिखलाऊंगा कि फ्रेंच का वो कैसे यूज करते हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है, ये P4 से राइट साइड जाओ, एक लाइन बना दो, चिंता मत करो कितनी लंबी खींचनी है, आप बनाते जाओ। सभी पॉइंट से राइट साइड आपको जाना है। अभी मैं थोड़ा रिपेयरिंग कर रहा हूँ, ये बॉल पेन मेरे मुझे साथ नहीं दे रही है दोस्तों, नया वाला पेन है फिर भी ऐसा हो रहा है। तो अभी देखिए P4 कैसे ट्रांसफर होगा, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए इस आदमी को। यस, ये P4 राइट में ट्रांसफर होने जा रहा है, पकड़ में आ गया, नहीं तो दूसरी बार भी देखिएगा। ये P4, अभी ये P3 की बारी, चलो कम ऑन P3 आ जाओ। अभी ये P3 आएगा इधर, अभी P2, अभी पहले नाम दे देते हैं। ये आ गया हमारा P4 से राइट में आने वाला, देखिए क्या P4 डैश और P3 डैश। अभी क्या लेंगे दोस्तों, P2, P2 की बारी आई। ठीक है, तो ये होने जा रहा है P2 डैश। ये मैंने 4 गलती से कर दिया, आगे जाके करेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी। और ये आ गई बारी P1 की, तो P1 में देखिए मुझे कम हुआ, प्रोजेक्शन कितना हुआ, कम हुआ, तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा, खींच दूंगा उसको। ये P1 डैश आ गया। ठीक है, तो अभी नीचे वाले हिस्से में काम बाकी है, तो आपको क्या करना है, रोलर स्केल GH पे डाल दो, P4 से नीचे चले जाओ। ठीक है, और यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये P4 आ गया, तो ये देखिए रेक्टेंगल बनने जा रहा है, इसीलिए इस मेथड का नाम है रेक्टेंगल मेथड। ओब्लोंग मेथड अलग है, वो आपने PPT में देखा। अभी देखिए ये पेन है, वो मेरा साथ छोड़ रही है। अभी P4 बन गया, अभी मैं दूसरा पेन ले लिया, अभी P3 नीचे जाओ और लेफ्ट में देखिए P3 कहाँ है, वहां से राइट साइड प्रोजेक्शन खींच लो। आपको ये सब काम एकदम लाइट करना है, 5H पेंसिल ले लो, नहीं होता है तो 5H पेंसिल का ग्रेड का नाम है।
अभी P4 की बारी, ये देखिए आपने वो आपको कितने सारे रेक्टेंगल मिल रहे हैं। इसी वजह से ये मेथड का नाम क्या है, रेक्टेंगल मेथड। ठीक है, ये मैंने करेक्ट कर दिया P2। अभी देखिए P2 से होते हुए राइट साइड जाने दो, P2 मिल गया। अभी P1 की बारी है, तो थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, ले लो उसको, वो थोड़ा तो सब्र रखो। ये होने जा रहा है P1, तो ये P वाले पॉइंट है ना, वो दोस्तों हमारे आंसर के पॉइंट है, मतलब कर्व वहां से पास होने वाला है। तो इसको मैंने अभी नाम दिया है रेक्टेंगल मेथड, गुजराती में क्या बोलेंगे, लंबचोरस पद्धति। तो ये रेक्टेंगल मेथड है, गुजराती में लिख रहा हूं नीचे। तो ओब्लोंग मेथड रेक्टेंगल मेथड से डिफरेंट है, पीपीटी में सीखा वो क्या था, ओब्लोंग मेथड। तो अभी देखिए ये वाला फ्रेंच कर्व हमारे काम का है, तो आपको कैसे यूज करना है देखिए, ये सेटिंग इसका, ये देखिए सारे पॉइंट एक बार कंफर्म कर लो, ऐसे आ रहे हैं तो यस आ रहे हैं, तो फिर आप बिना सोचे एक बार कंफर्म करके ये सारे पॉइंट एक कर्व में डाल दो, तो ये एक चौथाई हिस्सा इलिप्स का बन जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे सेटिंग करनी है, फिर इसको उल्टा कर लो, देखिए ये उल्टा किया, फिर वापस वो पॉइंट पे एडजस्टमेंट करो। ठीक है, ड्राइंग में एरर होगा तो थोड़े बहुत पॉइंट नहीं आएंगे, तो उसका अल्टरनेट मतलब दूसरा मेथड भी मैंने दिखाया है। ये देखिए सब पॉइंट आ जा रहे हैं, तो अभी स्टार्ट कर दो, ये ले लो। ठीक है, ये बन गया आधा हिस्सा एलिप्स का, ये आधा हिस्सा हमारा रेडी है। अभी क्या करना है, ऐसे उल्टा लो और राइट साइड में ये देखिए, तो यहाँ से P1 P2 आ रहा है, P3 थोड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जितना आ रहा है उतना लेंगे, एडजस्टमेंट करते रहो, एडजस्टमेंट करते रहो, तब तक एडजस्टमेंट करो जब तक सारे पॉइंट एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो अभी देखिए इस तरह से भी मुमकिन है, ये आपको बाद में दिखेगा, मेरा हाथ जो आपको दिख रहा है अभी, तो थोड़ा सब्र रख के आप देख सकते हो, ये मैंने पार्ट में किया। ये देखिए ये दूसरा लाइन है ना, वो नहीं चलता है, ये P1 P2 P3 वाला चलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए ऐसे करके आप इंस्टॉलमेंट में भी इलिप्स कर सकते हो, जिसमें क्या शर्त है, तो कि शर्त ये है कि सारे पॉइंट आ जाए। तो अभी देखिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा, आपको ऐसी मुसीबत आएगी, तो आपको क्या करना है, ये वाला साइड पकड़ना है, इसमें ज्यादा पॉइंट आ जाएंगे आसानी से। देखिए अभी देखिए ये इंस्टॉलमेंट में गए, खाली जी से P4 को ज्वाइंट किया है, और ये वाला बीच में ब्रिज का काम कर दिया। ठीक है, तो भी इलिप्स ऐसे भी आता है, लेकिन ट्राई आपको क्या करना है, सारे पॉइंट आ जाए ऐसे। ये देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट आ रहे हैं, P1 P2 P3 P4 सब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिफर्ड है कि एक चौथा हिस्सा रेडी हो, उसके लिए आपको फोकस रखना है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है और आगे बढ़ना है, और इसमें कोई फांसी की सजा नहीं। ये देखिए पार्ट हो गया, अभी ये देखिए भाई बाकी का पार्ट कैसे बनता है, मैं भी आपको सिखाने के लिए एडजस्टमेंट अलग अलग दिखा रहा हूं।
तो आप ये देखिए, ये P4, ये P2, ये सारे पॉइंट्स आ गए एक ही झटके में, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रोफाइल ढूंढना है जो सारे पॉइंट को कवर कर दे। तो पहली बार कर रहे हैं तो जरूर गलती होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, जितनी बार प्रैक्टिस करनी है, कितनी बार करनी है, जब तब आपको डिजायर्ड गोल, आपका ध्येय, आपका लक्ष्य हासिल ना हो, तब तब आपको प्रयत्न करते रहना है, ठीक है। तो ये पार्ट में भी बना आप देख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो ज्यादा अच्छा है, राइट साइड वाला है तो हमने इंस्टॉलमेंट में लिया था। फिर ये देखिए, एक एरो करके हम लिखेंगे एलिप्स, ये डबल लाइन कर लीजिए, और उसमें आपको क्या लिखना है, कर्व को नाम देना है, CURV कर्व, कौन सा है, इलिप्स, रेक्टेंगल मेथड से ये रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये थी आपको संपूर्ण जानकारी प्रैक्टिकल मेथड से, ठीक है, जो आपको रियल में एग्जाम में परफॉर्म करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और